हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन इस सेटिंग को आप ना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन सेटिंग जो है ना चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये डायनामिक इफेक्ट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अगले पेज में नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा ना। यहाँ पर इस पेज में आपको ऊपर की साइड ये स्क्रीन दे रखी है आपको सैंपल में, ठीक है। तो मेरा देखिए ये वाला बॉक्स यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, यानी कि टिक मार्क लगा रखा है। तो यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट जब भी मैं अपने फिंगरप्रिंट के जरिए अपने फ़ोन को अनलॉक करता हूँ ना, तो इस तरीके से एनिमेशन एक शो होता है, ठीक है। आपको नीचे की साइड ये काफ़ी सारे बॉक्सेस आपको दिखाई देते हैं, इनमें से आप जो है ना कोई भी दूसरा बॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला बॉक्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरीके से ये फिंगरप्रिंट का रिकॉग्निशन एनिमेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको जो है ना बॉक्स कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे ना तो नीचे आपको अप्लाई का जरूर बटन दबाना है, ठीक है। तो आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। अब देखिए हम अपने फोन को जो है ना इस सेटिंग को यूज करके देखते हैं। देखिए फिंगरप्रिंट का आइकन शो हो रहा है ना। अब जैसे ही मैं इस पर फिंगरप्रिंट लगाऊंगा ना तो उस तरीके का एक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन शो होगा। देखिए तो ये देखिए आपने देखा 1 सेकंड से कम समय के लिए भी दिखाई दिया था। तो इस तरीके से सेटिंग काम करती है आपकी, ठीक है, चेंज होने के बाद। अब मैं आपको ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का।